देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मौसले की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद वॉस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। बंजारा हिल्स नंदीनगर इलाके में कई नौजवानों ने एक रैली निकाली इंसाफ के लिए। वाज़ह रहे कि अंथोनी नामी नौजवान की परसों रात एक क्रिकेट खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उसी ताल्लुक से आज नौजवानों की जानिब से ये रैली निकाली गई, जिसमें विजय रेड्डी कॉर्पोरेटर TRS की शामिल हुई। लगता है कि इस अंथोनी की मौत ने सियासत को रंग दे दिया। देखना है कि अंथोनी के घर वालों को इंसाफ मिलेगा या फिर कार्रवाई के नाम पर तहकीकात जारी रहेगी। शेख वाहिद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। जहाँ पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा था, खुशियों से भरा हुआ माहौल में एक टूर्नामेंट जो लगा है उसमें एक नौजवान बच्चा रॉयड अंथोनी, उन्होंने भी अपना खुशी जाहिर करते हुए सब दोस्तों के साथ खुशी यहाँ खेलते हुए आए थे। यहाँ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए सडनली उनका डेथ हो गया। वो डेथ सब फैमिली लोगों को, फ्रेंड्स को एक शॉक जैसा लगा, क्योंकि एक 23 इयर्स नौजवान बच्चा, एक फैमिली को लॉस हुआ, फ्रेंड्स को लॉस हुआ, वेलविशर्स को लॉस हुआ। वो बच्चा का बहुत ब्राइट फ्यूचर था, जो फैमिली को चलाने वाला था। वैसे बच्चा सडनली ऐसा डेथ होने से वो लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। उनके तकलीफ़ में, उनके गम में शामिल होने के लिए, उनको दिलासा दिलाने के लिए सब लोग मिलके यहाँ फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, वेलविशर्स और नंदीनगर के बस्ती के वासी सब कैंडल रैली लेके अपने तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे आए थे। नंदीनगर बस स्टॉप जहाँ से वो बच्चा है, वहाँ से ये जहरा नगर बस ग्राउंड में जहाँ पे उनका इंतकाल हुआ, वहाँ पे यहाँ पे आके कैंडल्स लगा के पूरे प्रेयर्स करे ताकि उनको सोल को रेस्ट मिले और उनके फैमिली मेंबर्स को भगवान शक्ति दे कि ये शॉक ऑब्जर्व करे। और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में जब ऐसा एक्सीडेंट होता है तो सब लोग उसको रिएक्ट करना चाहिए और आगे ऐसा ना हो जैसे भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। वो बच्चे के फैमिली को हम पूरा सपोर्ट करते हुए उनको हमारे डीप कंडोलेंस बोल रहे हैं। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।